नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक्चुअली ऐसा होता है कि साईं बाबा आश्रम जो है ये बनाया नहीं जाता है, बन जाता है। करीबन 30 साल पहले अचानक ये आश्रम बना नहीं है, धीरे 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 इसका निर्माण का शुरू हुआ। क्योंकि मैं खुद जो है टोटली कमर्शियल था, बाबा को बहुत सालों से मानता था, पूर्णतया मैं कमर्शियल था। पर हुआ यह कि बाबा ने जो चमत्कार किए और बाबा मेरे जीवन में आए और बाबा ने खुद ने ही मुझसे सवाल किया कि तुझे लोगों के लिए काम करना है या क्या करना है। तो मैंने बोला भाई इससे बड़ी बात और क्या है कि मुझे लोगों की सेवा करना मिलेगी। और आज करीबन 25 साल पहले बाबा ने मुझे अपने पास में लिया। आज 24 अक्टूबर है जिस दिन हम बाबा का प्रकट दिन मनाते और पालखी निकालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 24 अक्टूबर को ही आज से 25 साल पहले साईं बाबा साक्षात शरीर रूप में मेरे सामने खड़े थे। वो दिन है कि मैं पूरा समझ नहीं पाया कि सच्ची क्या है क्या नहीं हो रहा है। और साक्षात में साईं बाबा जब मेरे सामने आए वो दिन 24 अक्टूबर था। और इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को साईं बाबा का प्रकट दिन मनाते हैं और साईं बाबा की पालखी निकालते चले आ रहे हैं। यहाँ भक्तगण भी भारी संख्या में आ रहे हैं जी, पालखी में शामिल होने के जी। क्या कहेंगे, किस तरह से आस्था है भक्तों की यहाँ? देखिए बाबा, तो सवाल ये है कि जहाँ साईं बाबा हैं वहाँ तो उनके चमत्कार अनंत हैं। बहुत से लोगों का ख्याल यहाँ पे ये होता है, क्योंकि बात यह है कि आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे साईं बाबा जो है वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ आते हैं लोग बाग, उनके न जाने कितने अमाप प्रश्नों के लिए आते हैं। किसी की बीमारियां रहती है, किसकी कैंसर की बीमारी है, किसकी कौन सी बीमारियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ आके ये बीमारी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। पर मैं सच कहता हूँ आप लोगों से, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे में कोई वो ताकत नहीं कि बीमारियां मैं ठीक करूँ। साईं बाबा साक्षात यहाँ पे हैं। जो कोई भी बीमार मेरे पास में आते हैं मैं सीधे बाबा को बोलता हूँ कि बाबा ये आए हैं, तुम्हारे पल्लू में आए हैं, क्या करना है। तो बाबा ने अगर मान लो झपके दे दी तो मैं उनको बोलता हूँ जाओ, आपका बाबा भला करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। और मालूम नहीं कैसे कुछ ही चंद दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। और होता है कि मेरे बोल वहाँ पे काम आते हैं, उनको लगता है कि मैंने सब कुछ किया है। पर सच बात तो ये है कि सब कुछ यहाँ साईं बाबा ही कर रहे हैं और साईं बाबा की कृपा दृष्टि से ही सारे लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। और लोगों के जीवन में जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो साईं बाबा की कृपा से हो रहे हैं। क्योंकि अगर चमत्कार करने वाला अगर मैं खुद होता तो फिर मैं बचपन से ही चमत्कार करना चालू करता ना, फिर मैं यहाँ भी क्यों रुकता मैं। इसीलिए तो बाबा मेरे जीवन में आए, बाबा ने ये सब बातें मुझे बताई। और बाबा को क्या होता है कि बाबा को अगर लोगों का कार्य करना है तो बाबा को भी कोई ना कोई माध्यम रखना पड़ता है। बाबा खुद तो सामने आ सकते नहीं है,
तो ये समझे कि मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे चुना कि भाई चलो ये मैं हूँ उसका माध्यम, और मेरे माध्यम द्वारा वो जो लोगों के बीच में बाबा जा रहे हैं, आज लोग आते हैं मेरे पाँव पड़ते हैं, तो मुझे धन्य नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए अरे बड़े बुजुर्ग आते हैं मेरे पाँव पड़ रहे हैं, मैं कितना बड़ा गुरु हूँ, ये मेरे पाँव नहीं पड़ रहे हैं, ये मेरे साईं बाबा के पाँव पड़ रहे हैं, और साईं बाबा के आशीर्वाद से ही ये सारे चमत्कार जो है यहाँ पे घटित हो रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।